गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म आज से 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय शास्त्रीय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनको तपस्वी बनने से बचाकर उनको महल में राजकुमार के तरह पाला पोसा। 29 वर्ष की आयु में विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्म पत्नी यशोद्रा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आज उनके उपदेशों में से एक उपदेश हम आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। ईश्वर एक है, हमें उसके बताए रास्ते पर ही चलना चाहिए। तभी अचानक एक औरत अपने बच्चे को गोद लेकर बुद्ध जी के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप तो भगवान का रूप है। यह मेरा एक लौता पुत्र है जिसे एक सर्प ने डस लिया है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा इस पूरे संसार में मेरा कोई नहीं। क्या आप इसको पुनः जीवित कर सकते हैं? अवश्य मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर देने होंगे। याद रखना कि वो दाने ऐसे कुछ घरों से हो जहाँ कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। औरत बुद्ध जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ के पास के गांव में जाती है। वह पहले घर में जाती है। वहाँ एक आदमी होता है। औरत उससे पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता हूँ। औरत पूछती है, क्या आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई है? अरे ये तुम क्या कह रही हो, मेरा बेटा बहू और उनके बच्चे सब अभी जीवित हैं। और आपके माता पिता? उन्हें गुजरे तो कई साल हो गए हैं। वह दूसरे घर में जाती है और फिर पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता हूँ। औरत फिर पूछती है, क्या आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, पिछले वर्ष ही मेरे छोटे बेटे की मृत्यु हुई थी। ओह, मैं क्षमा चाहती हूँ। वह तीसरे घर में जाती है और फिर पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता हूँ। क्या आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु हुई है? हाँ, कई वर्ष पहले मेरी माँ गुजर गई थी। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आपसे सरसों के दाने नहीं चाहिए। औरत ऐसे ही हर किसी के पास आती है और बार बार पूछती है, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकते हैं?
वह हर जगह खोज डालती है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे सकता है? लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह खाली हाथ बुद्ध जी के पास लौट आती है। महिला को खाली हाथ देख बुद्ध समझ जाते हैं कि उसे सरसों के दाने नहीं मिल पाए। बुद्ध उसे समझाते हैं कि तुम अभी जिस गांव से आ रही हो वहां हर किसी ने अपने प्रिय को खोया है, पर फिर भी वह जीवित है। इसलिए मृत्यु पर बैठ कर व्यर्थ का शोक मत करो। इसलिए हे बहन, अपने बेटे को लेकर जाओ और उसका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करो। इतना सुनकर महिला बुद्ध जी को प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि शोकाकुल होकर व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने सत्य कर्मों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।